गुड मॉर्निंग गाइस, आज सेकेंड डे है मेरा सीयू सामे, बट फेस्टिवल का आज लास्ट डे है। मेरे साथ है अभी डीजे नोमी, एके नोमी रिवा। तो गाइस मीट तेची फ्रीडो, जो कि इंचार्ज है इवेंट मैनेजमेंट का। पाके पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल कैसा चल रहा है? फेस्टिवल ठीक चल रहा है, जस्ट सोने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि मैनेज करना पड़ रहा है। नो नेटवर्क जोन, नथिंग, सो हर जगह चल के पहुंच के सब खबर पहुंचाना पड़ रहा है। सो स्टिल डिडंट स्लीप फ्रॉम लास्ट नाइट, आई एम स्टिल वर्किंग एंड ट्राइंग टू मेक इट बेटर फॉर ऑल द विजिटर्स। फ्रीडो ही है जो ब्रिक सिटी बॉयज को ईटानगर से यहाँ बुलाया है परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू हम लोगों को बुलाने के लिए। ओके, थैंक यू ब्रिक सिटी बॉयज फॉर कमिंग एंड यू डिड नाइस जॉब एंड आपने जमा दिया कल। चलो थैंक यू। ये बहुत खुश है। मैं पागल होई जावो, मैं पागल होई जावो। कल हम लोग आते ही यहाँ में सबसे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला चीज़ दिखाई दिया। आपको पता ही है गुरु को बाइक्स बहुत पसंद है, तो यहाँ पे एक अलग टाइप का बाइक आया है फ्रॉम साउंड ही सुना देता है एक बार। वो So, which model is this? It's a CB400 Super 4, made in Japan. Toto. कैंप साइट से निकल के अभी हम लोग साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं और हम लोग को ले जा रहा है डॉक्टर मैडम गवर्नमेंट जीरो। सीयूसा का जो रोड है वो बहुत खराब है। एंड यस, तोतो भी जा रहा है। राइट नाउ अभी हम लोग पहुंच गया लंका, तो यहाँ पे एक आईबी है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। फिलहाल चलना पड़ेगा कुछ देर के लिए हम लोगों को। एंड आई हेट वॉकिंग, स्विच करता है गोप्रो में। क्या कैमरा है, पोर्ट्रेट देखो ना उसमें क्या है। दो, 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 Loved your song yesterday. Thank you, sir. It was a pleasure and trying to get in that old culture. Yeah. It's so good. Yeah. It's so good. Really loved it. Thank you, sir. Yeah. This type of hanging breeze mein chalne ke liye thoda sa dar lagta hai. Hey. Pahunch gaya. ये जो पीछे देख रहा है यहाँ से हम लोग जाने वाला है आईबी। बट जब अभी जा ही रहा था तो कॉमेंट जो एक बहुत शॉकिंग वाला एक बात बताया कि ये एरिया में एक गालो फैमिली भी है, तो अभी हम लोग वहीं पे आया हुआ, वहीं पे रुका हुआ है। सो हियर इट इज। क्या नाम है सर आपका? पापा मोबा जाने पिताजी लोग जाने, हम लोग यहाँ जन्म हुआ ना, तो बहुत पुरना से बीता है। अच्छा अच्छा, भाषा तो निशी गालो ही बोलता हुआ घर में बोलने में, अब इससे बात कोई नहीं करता। अच्छा अच्छा, अपना बस नहीं गया ना अभी बस्ती जल्दी रूम में है क्या? हो अच्छा अच्छा, अरे जाके देखना है ना बस्ती। कैसा है आप लोग, ठीक है? क्या नाम है आप लोग का? अनु मोबा। आपका? चिन्यू। तो बहुत साल पहले का जो पिताजी है वो यहाँ आके रहा था, ये लोग का जन्म भी यहीं पे हुआ है। अभी ये लोग फुल यही का होके रह गया, इवन गालो भी बोलने नहीं आता। यहाँ से अभी हम लोग आईबी जा रहे हैं। आईबी से निकल के हम लोग थोड़ा बाद में फेस्टिवल ग्राउंड जाने वाला है, तो फेस्टिवल ग्राउंड को आपको थोड़ा सा दिखाएगा, उसके बाद निकल जाएगा वापस ईटानगर के लिए, क्योंकि रात को गाड़ी ड्राइव नहीं करना। आई डोंट फील सेफ, स्पेशली कोई नया जगह में जब हम जा रहा होता है, तो आई डोंट प्रेफर कि रात को ट्रैवल करूँ। तो जितना जल्दी हो सके निकलेगा यहाँ का काम ख़त्म करके। लंबू और नाटू की जोड़ी, हैंडसम और अगली की जोड़ी। कौन सा वाला कौन है? वो पब्लिक का ऊपर छोड़ देता है क्या भाई। अच्छा कॉम्बेन हम लोग को सुबह सुबह इतना पराठा इसलिए खिलाया ना, इतना वॉक करना है बोल के। झूठ बोलना पाप है और सागर का पॉकेट में राजा छाप है। अभी हम लोग बहुत ही घना जंगल में है, हम आए तो बाकी जानवर लोग भाग गया थे। क्यों मालूम? क्योंकि भाग 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 आया शेर, आया शेर और दो गिधर भी है यहाँ पे। एक कॉमेंट जो देखो ठीक से धुलाई देखो।
और रास्ता दिखाई दे रहा है कल इससे डांस किया ऊपर पाव पूरा दर्द हो रहा है अभी भी हम लोगों को बोला दो मिनट का रास्ता है साला गाड़ी को वहां में पार्क करके और वहां से पैदल चल के यहाँ आए पहले यहाँ से था पाके रास्ता आदमी पैदल जाता था पहले पाके किसान ये वाला रास्ता जाता रिजर्व और ये पाके टाइगर रिजर्व थोड़ा सा सिमिलर है दोनों वो एरिया भी ऐसे ही था और वहाँ का क्वार्टर्स लुक भी ऑलमोस्ट ऐसे ही था इवन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये रेस्ट हाउस ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा सेम ही है और लोकेशन भी बहुत सिमिलर है वहाँ भी पीछे रिवर था यहाँ भी रिवर है हम गेंद में चश्मा तोड़ दिया मेरा चश्मा को तो ये एक नया गूगल ट्राई कर रहा है मजा लग रहा है लुकिंग कूल चलो बहुत रेस्ट कर लिया अभी आपको आसपास का जो सराउंडिंग है ये जो एरिया है उसको दिखाते हैं आपको इनकेस आप अगर यहाँ आता है और आपको यहाँ अगर लंच करने का प्लान है तो आपको खुद से बाहर से जो फूड आइटम्स है वो खरीद के लाना पड़ेगा दे विल कुक फॉर यू और उसका चार्जेस अलग से लेगा बट वी आर थोड़ा लक्की कि यहाँ पे ये लोग मैगी का पैकेट लेके रखा हुआ था तो अभी हम लोग वही बनाने दे रहा है वही खाएगा लंच में तो अगर आप लोग आता है तो जो इसका एंट्रेंस है तो वहाँ में आपको एक लास्ट एक दुकान शॉप मिलेगा तो वहाँ से आप कुछ कुछ खाने का जो फूड आइटम्स है आप वो परचेज करके यहाँ लेके उसको पका के आप खा सकते हैं फिलहाल तो मिस्टर डेविड वो कुक कर रहे हैं हम लोगों के लिए लेट्स सी चलो एक बार किचन का अंदर जाके देखते हैं सो हियर इज मिस्टर डेविड कुकिंग फॉर अस आई गेस ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन कुकिंग पर रूम का चार्जेस है 200 रुपया और अगर आप 400 रुपीज पे करता है तो ये वाला पूरा जो रूम है वो आपको मिल जाएगा वो पर डे इज़न्ट इट कूल लोकेशन भी अच्छा है बहुत ही पीस है हमें अच्छा लगा रहा है हम लोग को बहुत अच्छे से ख्याल रखा है सिजुसा में ये उसका घर में हम लोग के लिए सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना दिया मक्खन वाला पराठा बहुत मजा लगा है और उसके बाद और ये खुद तो वेजिटेरियन है लेकिन हम लोग के लिए बढ़िया से चिकन ग्रेवी बना के रख दिया बहुत बढ़िया से हम लोग लंच किया है हाँ एक तो मैगी खाया है साथ में सामने वाला पार्टी ने हम लोगों को चिकन और किया बॉइल चिकन विद लाई पत्ता कभी देखा आप लोग ऐसे लोकल चिकन को खा रहा है लोकल चिकन टाइम हो गया निकलने का ये बढ़िया सा सुंदर सा जगह को छोड़ के जाने का और ये दीदी यहाँ का केयर टेकर है दीदी थैंक यू थैंक यू दीदी वेलकम नेक्स्ट टाइम फिर आएगा तो मिलते हैं आप लोग अच्छे से बैठिए अच्छा चलिए बलूराम का बदन जमी का नीचे है बलूराम का बदन जमी का नीचे है पागल बलूराम का बदन चलता हुआ गाड़ी से रुक गया आपको ये दिखाने के लिए अभी हम लोग आया ये वाला रोड से और ये जो दूसरा रोड देख रहा है ये जाता है पाके किसान के लिए नया रोड बन रहा है ये एंड एज आई प्रोमिस आई केम बैक टू द फेस्टिवल ग्राउंड आप सबको फेस्टिवल ग्राउंड को और अच्छे से दिखाने के लिए Thank you.
So guys, we are trying this paintball gun for the first time. Five shot ka 100 rupees hai aur do baar lagne par free ho jata hai. टारगेट वहाँ पे रखा हुआ है, एक बोतल है वहाँ पे, उसको आपको यस कहा गया यस उसको आपको लगाना है. तो ब्रदर कहाँ से आए आप लोग? गुवाहाटी. गुवाहाटी किसी उपाय ना, पेट के लिए करना पड़ता है. मजाक. क्या नाम है आपका? दिलीप टाइम. दिलीप टाइम. अच्छा, मिलकर बहुत अच्छा लगा. हम तो आप लोगों को अप्रिशिएट लगा. चलो थैंक यू. तो गाइस, मेरे पीछे आप देख रहा होगा पुंग, कैमरा में इतना क्लियर नहीं आ रहा है. वेट. तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे पुंग लिखा हुआ है. अंदर में बच्चा लोग का किड सेक्शन है, तो वो लोग अंदर में अभी आराम से खेल रहे हैं. बच्चा लोग, पेरेंट्स लोग बच्चा लोग को यहाँ रख के फेस्टिवल का मज़ा ले रहे हैं. तो बाय द वे, ये पुंग का मतलब क्या है? ये मेरे से ज़्यादा सर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा. सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम सुरेश पाइट. ओके, तो सर ये पुंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? सर, पुंग का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है आपका, एक तो नेचुरल सॉल्ट होता है जो पहाड़ या नदी के किनारे में होता है. ओके, तो एलिफेंट उसमें आके वो शायद उसका कुछ कारण होता है, उसको वो मिट्टी को खाता है. okay, okay. तो सेल्टी होता है. okay, okay. तो जैसे भी उस जगह में आकर वो एक साल में एक बार कम से कम आके ग्रुप में आकर वो मिट्टी को खाएगा. अच्छा, तो वो अच्छा. एक तरफ से नेचुरल एलिफेंट का जमाने का जगह होता है, और उसमें कोई भी विजिटर इंतजार करने से उसको लार्ज स्केल में देखने मिल जाता है. अच्छा अच्छा. ओके ओके, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट सर. थैंक यू. थैंक यू सर. और ये पुंग का मतलब होता है.